शी इज न्यू ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, नए नए स्पोक्स पर्सन है हमारी युवा मोर्चा की, तो थोड़ा ग्रेस मार्क्स. वैसे ही बोलूं, मेरी आवाज काफी तेज है. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. मधुकेश्वर देसाई जी हैं. अच्छा हो गया शुरू. जी दोबारा से शुरू करती हूँ. आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी हैं, उनके साथ ही सौरभ चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और मधुकेश्वर देसाई जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो टीम ऑफ लॉयर्स प्रियंका शर्मा जी के लिए लड़ रहे थे कोर्ट में, उनको लीड किया मधुकेश्वर देसाई जी ने. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूनम महाजन जी से कि वो आप सबको संबोधित करें. थैंक यू. धन्यवाद. संविधान खतरे में है, ये हर वक्त बोलने वाले लोग अपने प्रदेश में जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसी ममता दीदी के प्रदेश के बारे में हम बात करने यहाँ पे बैठे हुए हैं. आप जानते हैं कि आज आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है. टुडे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गेव ऑर्डर टू रिलीज प्रियंका शर्मा इमीडिएटली. We as BJYM family, Priyanka's family, her mother, her brother, are delighted and grateful to Supreme Court. We are grateful to the battery of lawyers who stood by us and took this writ petition, fought for us pro bono. Main dhanyawad dena chahti hun Shri Neeraj Kishal Kaul ji ko, Kotla Harshvardhan ji ko, mere Rashtriya Upadhyaksh Madhukeshwar Desai ji ko, अमित अग्रवाल जी को, सत्यजीत सरना, आंचल टिकमनी, साहिल रवीन, राहुल कुकरेजा, क्षितिज महेश्वरी, चनन परवानी. दीज वर द एज वी सेड बैटरी ऑफ लॉयर्स स्टूड बाय अस फॉर फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो वी आर ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, टीम ऑफ लॉयर्स, BJYM, और हम एक BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम बहुत खुश है कि जो लड़ाई हम केरल से लेके बंगाल तक गत 2 वर्षों से लड़ रहे हैं, वो कोर्ट की लड़ाई हो, वो जमीनी लड़ाई हो, जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है, जिन पे कोई केस तैयार नहीं होती तो केस करके डाला गया है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं किए गई है, जहां जहां संविधान के रूप से हम लड़ रहे हैं, हम कोशिश करें कि उस संविधान का आधार लेके हम हमारी केस लड़े. एक लड़की प्रियंका शर्मा, who lost a daughter, who lost a father when she was just 13 years old because there was a doctor's strike in West Bengal. And she lost her father by brain hemorrhage. They couldn't help her. A girl who is a very, as me being an animal activist, so I should praise that little girl, being a very strong animal activist, a young political activist, a young BJYM activist, now will be seeing a light of new day, where she will be seeing a free world, where she can actually follow the constitution, where she has got the right for freedom to express and freedom of speech. Aaj ye sabit ho gaya hai ki Pashchim Bengal mein arajakta zyada phail chuki hai. Mamta didi ke raj mein freedom of expression ka gala ghot diya ja raha hai. Main phir se ek baar Supreme Court ko dhanyawad dena chahti hu. I'm grateful for Supreme Court for her immediate release. But for direction of apology sends a wrong message on the question of free speech. I hope in coming July we contest, because this case is not case only for Priyanka Sharma, but this case will be spoken for coming years on freedom of expression, how political leaders like Mamta Didi, and I'm very openly saying we call her Hitler Didi, using power for her own political gain, for her own ego. And I request, after
अभी उनके भाई फिर से, हमने उनको दिल्ली बुला के रिट उनसे साइन कराई थी, और राजीव उनके भाई फिर से अभी कलकत्ता जा रहे हैं अपनी बहन को रिलीज करके घर ले जाने। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, उसके बाद जब प्रियंका शर्मा जेल से बाहर आएंगी और वो रिलीज होंगी, उसके बाद बस मैं मीडिया को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि टीएमसी के गुंडों पे थोड़ी आप नजर रखिए, क्योंकि जो केस नहीं थी उसको बनाया गया। एक युवा कार्यकर्ता जो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहता था, जो उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के रूप से दिया है, ऐसी एक युवा लड़की को जेल में डाल दिया गया। आप सब जानते हैं कि उस पे केस भी ऐसे डाल दी गई, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उसको ना अपील करने की कोशिश करने दी, 10-12 पुलिस उसके घर में सुबह आ गए, किसी ने कुछ बताया नहीं और सीधा उसको करेक्शन होम में डाल दिया गया। एक बाल्टी पानी पे उस लड़की को रखा गया, खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसका भाई उसकी माँ रो रहे थे। हमने ये कोशिश की कि रास्ते पे लड़ाई, हम हर वक्त लड़ते हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, लेकिन जब केरल में ऐसी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जेल में थे, या कुछ महीनों पहले जो आज पश्चिम बंगाल में युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे चुनाव लड़ रहे हैं देवोजी दादा, वो भी ऐसे ही, उनको बेल नहीं मिल रही थी, तो युवा मोर्चा के रूप से एक अच्छे रूप से हमने बैटरी ऑफ लॉयर्स की तैयारी हर वक्त की है कि संविधान को ही लेके उसको पूर्जा रूप से हम अच्छे रूप से लड़े। और मैं फिर से एक बार मेरी पूरी टीम, मेरे महामंत्री श्री सौरभ चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे उपाध्यक्ष जो ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए मधुकेश्वर जी, माई स्पोक्स पर्सन नेहा जोशी जी, हम सब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता, बंगाल के कार्यकर्ता, हम सब साथ में यही दिखाना चाहते हैं, जो युवा इस भारत को आगे ले जाना चाहता है, जिस न्यू इंडिया का सपना हम पूरा करना चाहते हैं, उस न्यू इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जगह पूरी तरह पुरजोर रहे, और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और ममता दीदी के राज में जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है, ये हर एक रोज मेरे पास इतने उदाहरण है, पूरी फाइल बन गई है, कि वो छोटा किसान हो या कोई युवा हो, जो कोई ममता दीदी के खिलाफ उंगली उठा के इस डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में सवाल उठाएगा, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये वही ममता दीदी है जो संविधान के रूप से हर वक्त भाषण करती है, लेकिन ये बोलते वक्त कतराती नहीं कि प्रधानमंत्री को किस रूप से अपशब्द से उन्होंने बातें की है, इस पे वो कतराती नहीं है। तो मैं सिर्फ देश की जनता को यही दिखाना चाहती हूँ, युवा चाहता है कि वो जिंदगी में अपनी उड़ानों को आगे ले चढ़े, वो अपने विचारों को आगे ले चढ़े, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, इसके लिए हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस अराजकता के खिलाफ बंगाल की जनता तो ममता दीदी को 23 मई को जवाब तो पूरा देगी, और उसी संविधान को लेके ही देगी, लेकिन आने वाले समय में भी हमारी लड़ाई पश्चिम बंगाल में युवा मोर्चा की जारी रहेगी, और इससे ज्यादा जोर से हम लड़ाई करेंगे, और हम पश्चिम बंगाल में संविधान संभाल के रखने के लिए पूरी तरह पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। या It's not a bail. The Supreme Court has said, release her immediately. So granted bail का कोई इसमें संबंध ही नहीं, सारे जो charges है उस पर पूरी तरह से, जब release her immediately कहा गया है तो उसका मतलब ही ये होता है, इसमें bail का कोई शब्द नहीं, ना माना गया है कि वो गलत है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आप सबको कह रही हूँ, ये बात एक कार्यकर्ता है 10 कार्यकर्ताओं की नहीं है, लेकिन मुझे चिंता ये है क्योंकि मैं अभी इतनी जल्दी कलकत्ता पहुंच नहीं पाऊंगी। मैंने वहां के कार्यकर्ताओं से, युवा मोर्चा के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात की, लेकिन जिस प्रकार का उत्पात पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और पुलिस पूरी तरह से उनके साथ है, ऐसी फॉल्स केसेस बना बना के जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे, तो ऐसी युवा लड़की को जब उठा के सीधा जेल में पटक देते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं के खून होते हैं, बूथ प्रमुखों की हत्या की जाती है। तो मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहती हूँ, आप हमारा स्तंभ है, चौथा स्तंभ, आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही पूरे देश को बता सकते हैं कि किस प्रकार से अराजकता फैल रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए मेरे हाथ में ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 3 बजे आएगी, लेकिन जिस प्रकार से उसमें लिखा गया है, अपॉलोजी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसे देने कहा है, अब तक मैं पढ़ाई करने के बाद कहूंगी, लेकिन उस पर मैंने अपनी टिप्पणी भी दी है, और जिस प्रकार से कोर्ट जो कहे उसको मानना हमारा काम है, लेकिन जुलाई में आगे जाके समय पे इस केस को
अलग रूप से, एक अच्छे रूप से, स्थायी रूप से करने के लिए कंटेस्ट भी करेंगे। आज मनोबल बढ़ गया है कार्यकर्ताओं का, मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि बंगाल में रहने वाला कार्यकर्ता वो अकेला नहीं है। उसके साथ जब युवा मोर्चा ने ये टीएमसी के खिलाफ नारा और टीएमसी के खिलाफ लड़ाई जब 2 साल से शुरू की थी, तभी हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हमारा पूरा साथ दिया। जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है और हम लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पत्रकारों पर हमला होता है, जो खुद कैंडिडेट है वो अपने बूथ पे नहीं जा पाते हैं, जिस प्रकार से अराजकता वहां पे है उसके लिए हम लड़ेंगे। और जिस संविधान खतरे में है, बोलने वाली ममता दीदी जो अपनी हिटलरशाही रोकती नहीं है, उसके लिए जिस प्रकार से लड़ना चाहते हैं हम कार्यकर्ता लड़ेंगे। एक भी कार्यकर्ता का मनोबल हम कम नहीं होने देंगे, जाया नहीं करेंगे, हम पूरी तरह लड़ेंगे। और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, तो मुझे दुख इस बात का है कि पश्चिम बंगाल की जनता का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। आज प्रियंका शर्मा पे ऐसे हुआ है, तो आज कोई भी कॉलेज में जाने वाला व्यक्ति अपना कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी कि पश्चिम बंगाल में आपको डर के रहना है, आप अपने रूप से कुछ नहीं कह सकते। जी 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 इसलिए मैंने अपने पूरे स्टेटमेंट में ही कहा था कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ अपॉलॉजी सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्री स्पीच। आखिरकार हमें ये हक मिला है कि हम क्या कहना चाहते हैं, उस पर जो केस होती है उसको कंटेस्ट करना हमारा काम है। तो मुझे दुख हुआ आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार से कहा, लेकिन आज हम खुश हैं कि प्रियंका आज बाहर आएगी, वो अपने घर जाएगी, अपनी माता को मिलेगी, अपने भाई को मिलेगी। लेकिन जुलाई में हम इस केस को आगे जाके, क्योंकि इस केस ऐसे रूप का उदाहरण बने कि युवाओं को अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पे किसी की हिटलरशाही चलने नहीं देंगे। जी नहीं है, यू मस्ट, यू आर अ लॉयर, यू आर हैंडलिंग इट, सो आप मेरा बात को तोड़ मरोड़ ना रखें। लेकिन कंडीशनल बेल नहीं है, इमीडिएट रिलीज कहाँ गया है और अपॉलॉजी करने कहाँ है? If I can just shed some light on that, the manner in which Priyanka Sharma has been arrested, it is due process of law has to be followed. She had to be produced before a magistrate within 24 hours. That was not done. Despite the fact that she was not produced in front of a magistrate, she was remanded to 14 days judicial custody. She was remanded, a copy of which has not been given to us, of course, or her. But she was charged under Section 66A, which has been read down by the Honorable Supreme Court. There are other sections also which don't apply to this, which have been done. So the Supreme Court has released her because the manner in which she has been arrested has been held incorrect, and therefore she has been released. When it comes to the question of the apology, while the Honorable Supreme Court first said that upon giving an apology, she will be given bail, the honorable judges will release her. The judges then called counsel back and clarified the stance and said that it is not conditional to her release. So we are not asking her to apologize, and only after an apology is tendered will she be given, will she be released. So the rest of the writ petition is up for hearing after the vacations. So it will be contested, we'll be fighting the writ petition, the entire writ petition, we'll be taking it after holiday. Yes, yes, yes. I think it's 500 IPC 66, 67 IDI. I think we're done. So, thank you very much. युवा मोर्चा इसी रूप से ये लड़ाई लड़ता रहेगा इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके हाथ में वो औजार जो अपने रूप से अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल अच्छे रूप से करे, इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM पूरी तरह से पुरजोर रूप से हर वक्त लड़ेगा, खड़ा रहेगा। और ये लड़ाई अभी शुरुआत है इसकी, इस लड़ाई का अंत मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की हिटलरशाही अराजकता खत्म करके ही होगा, ये मेरी अपेक्षा रहेगी और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पूनम जी. थैंक यू मधुकेश्वर जी, सौरभ जी. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुडे. थैंक यू.